Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah, Tasmai Sri Gurave Namah. जब नाटक ड्रामा चलता है तो उस समय स्टेज पर बहुत लाइट होती है और ऑडियंस में बहुत कम लाइट होती है ताकि वो सो सके, लेकिन यहाँ आपको सोना नहीं है तो सब लाइट को ऑन करो। कौन है लाइट ऑन करने वाला, उठो। फैन में तो ऑन कर रहा है। उधर के भी लेट ऑन कर लो, आप कोई नहीं सो पाएगा। आपने समझ क्या रखा है? हमको तो कोई भी नहीं सुला सकता, जगा सकता। अच्छा महाराज, हम लोग तत्व का चिंतन कर रहे थे और उस तत्व की बात बताते हैं कि बंधन क्या है। एक ही बंधन है और वो है देहात्म भाव और दूसरा है जीवात्म भाव। अब ये कहाँ से आया तो उसके बताते, ये पहले तो हम अज्ञान माने हमको अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि हम आए कौन, तो हमने अपने आप को देह मान लिया है। किसी ने हमको नहीं बताया कि आप देह हो, और शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बताते कि आप ब्रह्म हो, लेकिन दोनों की भी बात हम नहीं मानते। और उसका ये अज्ञान के कारण फिर हमारे स्वरूप पर आवरण आ जाता है और उस आवरण के कारण हमको विक्षेप प्राप्त होते हैं। जहां विक्षेप प्राप्त हो गए वहां जीव का जन्म हो गया। हमने आपको उस दिन भी बताया था, फिर रिफ्रेश करते हैं। सात गांठों से हमको जाना है, 7 स्टेप्स। नीचे गिरने की 8 गांठें हैं। वहां कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 8 सीढ़ियों से हम नीचे गिरते हैं। अब ऊपर चढ़ना है तो केवल 7 ही सीढ़ियां है। तो पहली स्टेप क्या है? अज्ञान। दूसरी स्टेप है आवरण और तीसरी स्टेप है विक्षेप। विक्षेप जहां हुआ वहां मैं का, ईगो का, जीव का जन्म हो गया। विक्षेप आए, जीव का जन्म हो गया। इसको आप ऐसे समझ लो, एक बार हमने हमारी घड़ी किसी को बेच दी थी, पैसे नहीं थे और बड़ी विचित्र स्थिति में थे, तो उसने हमको पैसे दे दिए, घड़ी रख ली। और फिर हमारे कोई पहचान वाले जो थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी घड़ी उस आदमी के पास हमने देखी थी, हाँ ठीक देखी थी आपने, लेकिन वो घड़ी उसके हाथ से गिर गई, उस पर से एक ट्रक चला गया, पूरा सत्यानाश हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नश्वर वस्तु है ना, होता ही है। असल में क्या था, मुझे अपने पैसे मिल गए थे, माने उसके घड़ी के साथ हमारा तादात्म्य खत्म हो गया, इसीलिए विक्षेप नहीं। तो जहां जहां हमारे मन में किसी भी कारण से विक्षेप आते हैं, समझ लेना जीव का जन्म हो गया। अच्छा महाराज, ये विक्षेप को मिटाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, दुनिया में ट्राई करते हैं, वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर दुर्गा कुंड के सामने सत्संग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद हमको तत्व की बातें बताई जाती है जिसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। हमको अनुभव कुछ नहीं है, सुना ही सुना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम देह नहीं है, हम जीव नहीं है, दूसरे को भी लेक्चर दे सकते, परोक्ष ज्ञान। अब इस पर जब हम चिंतन करेंगे तब आती है 5वीं स्थिति, अपरोक्षानुभूति।
चिंतन करते करते ही हम अपने वो देह स्त्री पुरुष मान गए हैं, उसका उल्टा चिंतन करें तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा हम देह में नहीं है, देह हम में है। ये समझ में आएगा कि सुवर्ण आभूषण में नहीं है बल्कि आभूषण सुवर्ण में है। ये समझ में आएगा कि पानी समुद्र में नहीं है बल्कि समुद्र में पानी है। इसको कहते हैं विपरीत भावना। अभी हमारी स्थिति ये है, हम समझते हैं हम देह के अंदर है, तत्व देखा जाए तो देह हमारे अंदर है। देखो आधार हमेशा आधेय से बड़ा होता है। देह का आधार क्या है? प्राण। और प्राण की सीमा केवल देह के आकार तक नहीं, अंदर भी है बाहर भी है। तो हमारी धारणा क्या है? प्राण हमारे देह में है। वास्तविकता क्या है? प्राण में देह है। ऐसा चिंतन करते जाएंगे तब ये हमारी उल्टी समझ है हम देह के अंदर है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हो गई 5 सीढ़ियां। अब छठवी, यदि ऐसा हो रहा हो तो उसके क्या लक्षण है? तो छठवी बात बताते हैं दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति माने दुख आएंगे लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। ये महत्व की बात। और उस इतना क्या करना, सो जाओ फिर दुख नहीं होता। नहीं नहीं, निरंकुशा तृप्ति, फिर अपने जीवन में कृतकृत्यता आ गई। ये न होने का कारण यही है, आवरण आया उसके बाद विक्षेप आए और ये विक्षेपों के कारण हम इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि मैं देह हूं इत्यादि इत्यादि। तो ये जो बंधन बंधन कहते हैं, इस बंधन के बाद अब 147 श्लोक से कहते हैं बीजम संस्मृति भूमि जस्य तु तमो देहात्म धीरं करो राग पल्लव मम्बु कर्मदु बभु स्कंधो सवशाखिका अग्राणी इंद्रिय संहतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलं नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीव खगः। यहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर रूपक बांधा है एक पेड़ का। बीजम संस्मृति भूमिजस्य, इस संसार वृक्ष का जो बीज है वो क्या है? तमहा अज्ञान और देहात्मधि अंकुरहा, और उस अज्ञान के कारण इस बीज में एक देहात्म भाव का जन्म होता है। उसके बाद रागहा पल्लवम, फिर उसको धीरे धीरे पत्ते इत्यादि आने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं राग इत्यादि। और कर्मतु, और फिर उसमें अम्बु कर्म, उसको पानी कौन डालता है? कर्म का पानी डालते हैं। फिर वपु स्कंधो, फिर हमारा जो शरीर है यही उस पेड़ का मुख्य भाग है। आसवशाखिका, और जो हमारे क्रियाएं है प्राण इत्यादि है ये इस देह रूपी पेड़ के शाखाएं हैं। अग्राणी इंद्रिय संहतिश्च विषया, और फिर आगे जाने वाले जो तंतु बांध के रखते हैं अपने आप को दीवाल से उसको कहते हैं हमारी इंद्रिय। और कहाँ जाके रहते हैं ये सब इंद्रिय? विषयों में। पुष्पाणि दुःखं फलम, और फिर इस पेड़ को अपुष्पित हो रहा है। क्या पुष्प आता है? केवल दुख ही दुख है, और फलम, फल केवल दुख, किसी और कुछ नहीं है। फिर नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम, इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म करते करते ये सब कौन कर रहा है? भोक्तात्र जीवक खगहा, इस पेड़ पर बैठा हुआ जो जीव है यही पक्षी है, यही ये भुगत रहा है। ये सब का संबंध ऐसा समझ लो। देखो ये विषय हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर आता है। इसका संदर्भ है, इन्होंने मुंडकोपनिषद के मंत्र को संदर्भ दिया है। वहां आता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचा कशीति। एक पेड़ पर दो पक्षी एक दूसरे के जैसे हैं। कितने एक दूसरे के जैसे? जैसे बिंब और प्रतिबिंब, ऐसे है। दो में से एक जो पक्षी है वो उस फल, उस पेड़ के फल खाता है और सुखी दुखी होता है,
और दूसरा पक्ष ऐसा है उस फल के पेड़ नहीं खाता सुखी दुखी नहीं होता। तो ऐसे लगता है कि दो की बात हो रही है लेकिन बात एक ही है, दो की नहीं है। कैसे? स्त्री और पत्नी क्या दो है? पुरुष और पति क्या दो है? और ये पत्नी और स्त्री, इसमें दुखी कौन होती है? पत्नी, क्योंकि वो फल चख रही है। दुखी होता है पति क्योंकि वो फल चख रहा है। स्त्री और पुरुष कभी दुखी नहीं होते। तो ये भोगने वाला जो है सुख दुख, इसको जीव कहते हैं। तो यदि हमको ये जीव भाव से मुक्त होना है तो करना क्या चाहिए? केवल चिंतन। इस जगत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं आते। दुख आना एक बात है, दुख आने के बाद तादात्म्य करके दुखी होना दूसरी बात है। और यही हमारे बंधन का कारण है। हमारी कल्पना यही होती है, हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? किसको मिला? किसी भगवान ने कहा है क्या? आज हम गए थे विश्वनाथ जी भगवान के दर्शन के लिए, उन्होंने किसी को बुलाया क्या? मेरे पर दूध डालो, मेरे पर पत्ता डालो, कुछ नहीं। हम ही जाते हैं वहां और जाने के बाद जिसे भगवान को उपकार किए। देखो महाराज, अध्यात्म में यदि हम प्रवेश चाहते हैं तो हमारे मन में एक भी कामना का समर्थन नहीं करना। कामना ही बंधन है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और ये कभी फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे, इधर ध्यान रहे कि हमने कभी कुछ मांगा क्या, किसी की इच्छा करी क्या। आज हम लोग जब गए थे ना वहाँ मंदिर में, तो पंडित जी ने बताया कि भगवान के मंदिर के जो ऊपर कलश है उसके तरफ देख करके अपनी कामना पूरी कर लो। तो हमने भी देखा, हाथ जोड़े, फिर हमारे सामने समस्या आई, अब क्या मांगे, क्या मांगू, क्या मांगू। और फिर उसी भगवान ने हमको प्रेरणा दी, अंतकरण से कहीं भी काम का थोड़ा भी अंकुर या बीज रहा होगा तो भगवान उसको मिटा दो। यही जीवन की असली आध्यात्मिक साधना है। हम देखो कितना आनंद आता है, भोग से ज्यादा आनंद त्याग में होता है। कितने लोगों का होता है ना, हमने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो कौन सी तीर मारे, हम तो पीते ही नहीं। देखो पहले क्यों पीते थे? भोग के लिए, खुशी के लिए। और छोड़ क्यों दिया है? नहीं अब छोड़ दिया, अब बोर हो गए। देखो महाराज, जैसी जैसी बात समझ में आती है ना, तब ये मंत्र का अर्थ प्रकट होता है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस, भोग से नहीं बल्कि त्याग से। और त्याग किसका करना है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग कर दो। भगवान कृष्ण के शब्द है, सरल नहीं होते, टेढ़े होते हैं। सबका त्याग कर दो माने क्या? पहले ये समझो आपका है क्या कि जिसका आप त्याग करेंगे। एक हमारे मित्र हमारे पास आए, बोले स्वामी जी आप मदद करिए। मैं क्या मदद करूं? बोले मैं अपने पत्नी से इतना परेशान हो गया हूं, मेरा पल पर वो इंसल्ट करती है, सबके सामने उल्टा सीधा बोलती है, क्या करूं? हमने कहा छोड़ दो, कर दो डाइवोर्स। बोले वो तो नहीं कर सकता मैं, क्यों? वो कमाती है, मैं खाता हूं, तो मैं क्या करूं? हमने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते डाइवोर्स तो तुम्हारे पत्नी को मैं डाइवोर्स दे देता हूं, संभव है? जब तक पत्नी मेरी नहीं होगी तब तक मैं कैसे डाइवोर्स दे सकता। इसी प्रकार से ये दुनिया में अपना है क्या कि जिसको छोड़ोगे? ये समझदारी को कहते हैं त्याग। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल पकड़ के नहीं रखना है। महाभारत में कथा आती है, एक छोटा सा पक्षी था और उसके मुख में कोई मांस का टुकड़ा था,
और वो जा रहा था, तो चारों तरफ से गुंडागर्दी के बड़े बड़े पक्षी आकर के उस पर धावा बोलने लग गए। वो बेचारा छोटा सा पक्षी भाग रहा भाग रहा, सभी के सभी पक्षी उसके पीछे दौड़ रहे। फिर वो समझदार था, उसने जाना ये पक्षी मुझे नहीं परेशान कर रहे, उनको मेरे मुख में जो मैंने पकड़ा है मांस का टुकड़ा उसके लिए। तो उसने क्या किया, केवल अपने मुख को खोल दिया तो वैसे ये मांस का टुकड़ा नीचे गिरा और सब उसके पीछे की परेशानी खत्म हो गई। देखो संतो, बिल्कुल सरल बात है, कठिन नहीं है। किसी को पकड़ के मत रखो इस दुनिया में, जिसने संबंध और संग्रह इसके साथ अपने को जोड़ लिया है उसको भगवान भी मदद नहीं कर सकते। एक भक्त की कहानी बताऊं आपको। एक भगत जी थे, बड़ी भगवान की नमस्कार किया, चमत्कार किया, पूजा पोथी जप किया, नारायण भगवान आ गए। भगत जी चलो सीधा वैकुंठ जाएंगे। भगत जी बोले नहीं, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं तो पूरी दुनिया को लेके आता हूं। भगवान ने कहा छोड़ यार तू चल, किसको कौन चाहता है वैकुंठ में जाने के लिए। बोले नहीं नहीं मैं ले आता हूँ। बोले ले आओ, तू जिसको लाएगा हम ले जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो फिर उस भगत ने सोचा सबसे पहले जाए सन्यासी के पास, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया है। और गए महाराज, स्वामी जी महाराज ऐसी ऑफर है, नारायण भगवान स्वयं कहते चलो वैकुंठ। बोले कैसे कैसे आ सकता मैं, अभी तो मंदिर बनाया है, अभी तो नारायण के भगवान की मूर्ति की ऑर्डर दी है जयपुर में, अभी तो वहां मार्बल बनना है और फिर उसका कलश अभिषेक होना है, अब कैसे आ सकता हूं मैं। अरे यार डायरेक्टली नारायण भगवान आ रहे, तुम पत्थर में फंसे हो। भगत को बड़ा आश्चर्य लगा, वहां से गया वानप्रस्थ के पास रिटायर्ड आदमी, उसको कहा तो वो कहता है नहीं जी अभी तो मेरे पोते का जन्म हो गया है, जब तक के उसके पोते की शादी नहीं होगी तब तक कैसे आ सकता हूं मैं। वो भी आने को तैयार। फिर गया गृहस्थ के पास, गृहस्थ जी आप चलो। बोले कोई पागल को तेरे काटा है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो सब कुछ जीना है, अभी नहीं आएंगे। वो भी फंस गया बेचारा। वहां से गया ब्रह्मचारी के पास, बोले नहीं अभी तो मैं अध्ययन कर रहा हूं, अष्टाध्यायी पढ़ रहा हूं, प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना है, काहे के लिए। उसी को छोड़ दिया। फिर गुस्से गुस्से में भगत फ्रस्ट्रेट हो गया, चला गया सुअर के पास। हे सुअर महाराज चलो वैकुंठ में जाना है, मैं सुअरानी को पूछ के आता हूं। गया सुअरानी के पास। सुअरानी जी ऐसी ऐसी ऑफर है, चलना है क्या, क्या है ये पूछो, वहां है क्या अपना खाना, अपना खाना वहां होगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस दुनिया में कौन चाहता है परमात्मा, हम ईंट पत्थर और रिश्ते नाते इसी में दफना गए हैं। तो क्या सबको छोड़ दे, छोड़ो किसी को, मैं पकड़ो नहीं किसी को, बस तब जा करके यह जो जीव भाव है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आगे बताते हैं, अज्ञान मूलो यमनात्म बुंदो नैसर्गिको अनादि अनंत इदितहम जन्माप्य अव्याधि जरादि दुःखम प्रवाह पातम जनयत्यमुष्य। अब यह जो अज्ञान मूल अयम अनात्म बंध नैसर्गिक, अब ध्यान से सुनना, ये बंधन है, हमने तो निर्माण नहीं किया, ये नैसर्गिक है। कैसे, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो उसमें प्रतिबिंब होगा ही, दर्पण भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, आंखें खुली है तो रूप रंग दिखेगा ही। देखो महाराज, अब ये दर्पण का उदाहरण ले लो। अब जब दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा क्या अनुभव है कि हम दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हुए भी दर्शन अपना हो रहा है,
माने वहां द्वैत का अनुभव होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं हो रही है। और उसी को एक पक्षी जब देखता है तो पक्षी का क्या भान है कि दर्पण में दूसरा कोई पक्षी है, उसको मारो, ये दुश्मन है, और परेशान हो जाए। और यदि वो पक्षी नहीं जा रहा मारने से, तो फिर साधना करो, पहले उसको झाड़ू लगाओ, फिर उसको पानी से नहलाओ, फिर उसके बाद जप करो, फिर दान धर्म करो, जाएगा वो उसका प्रतिबिंब। इसी प्रकार से यह जो देहात्म भाव है ये होगा ही, लेकिन उसको सत्य मानना यहां से बंधन दूर होता है। देखो, और ये जो बात है ना, ये अपने अनुभूति की है, पब्लिक को बताने की नहीं है। पब्लिक को बताने की आप उदाहरण देते हैं आपको, हम तेजपुर में थे आसाम में, और एक मारवाड़ी अम्मा हमारे सत्संग में आती थी, बड़ी सिंसियर थे। एक बार उनके यहाँ खाने के लिए गए, तो जैसे उनके यहाँ गए, नीचे लोहे का उनका दुकान था, हार्डवेयर, और फर्स्ट फ्लोर पर वो रहते थे। तो जब हम बोले कि स्वामी जी संभाल के आना, ठीक है मैं संभाल के आऊँगा, बोले एक मिनट रुकिए, क्या बोले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो गले पर हमको ले गए, इंट्रोड्यूस करा दिया, स्वामी जी ये देह इस देह का पति है। मैंने कहा ये देह इस देह का गुरु है। अरे यार नॉर्मल रहो ना, एबनॉर्मल क्या रहना है, नहीं तो आप जा रहे इमिग्रेशन के थ्रू, और इमिग्रेशन वाला पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, नाम रूप मिथ्या। और वो कहता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अजोपी सन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वर, मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं। जगत में नॉर्मल रहो, एबनॉर्मल नहीं रहना है। तो ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए हम परेशान होते हैं। कैसे परेशान होते हैं, एक और उदाहरण। हम कहीं थे, हम ऑस्ट्रेलिया में जिनके यहाँ रहते थे, छोटा सा बच्चा था, बड़ा स्मार्ट होगा 5-6 साल का। तो हम उसकी उंगली पकड़ा, चलो यार घूम के आते, घर में भी बोर हो गया। तो मैं उसकी उंगली पकड़ा और निकल रहा, तो उसके हाथ में कुछ खाने की चीज़ें थी। हमने कहा कहाँ ले जाओगे, बोले स्वामी जी यहाँ बहुत बढ़िया लेक है, लेक पर चलते, चलो हम पड़े चल पड़े। तो उसके दादाजी आए थे इंडिया से, वहाँ एनआरआई फादर, बोले स्वामी जी मैं आपके साथ चलूँ क्या, बोले चलो गोद में लूँगा, अरे ठीक है चल पड़े। वहाँ जाके बैठे, और हम दोनों बच्चा और मैं, हमने पैर पानी में छोड़े, पानी से खेल रहे थे, और बच्चे ने कुछ खाने की चीज़ डालना शुरू कर दी, तो वहाँ मछलियाँ इकट्ठी आने लग गई, और वी आर एंजॉइंग। अब ये बूढ़ाऊ जो थे वो कहते हैं नहीं, उसने कहा बच्चे ने, दादाजी आप भी फेंको ना मछली को, देखो कितना मज़ा आ रहा है। बेटा एक दिन हम सबको मरना ही है। बच्चा इतना स्मार्ट, उसने कहा दादाजी लेकिन बाकी दिन तो जी सकते हैं, मरना तो एक ही दिन है ना, जीना ज्यादा है, क्यों मरने की बात करते हो, जीने की बात करो। भगवत गीता जो पढ़ते हैं वो मरने के लिए नहीं, मरने के लिए पढ़ना है तो भागवत पढ़ो और रोते रहो। देखो संतो, इसीलिए यह जो अज्ञान मूल बंध है नैसर्गिक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, सब में एक ही बात है, लेकिन फर्क यही है कि एक इस देह देहात्म भाव को सत्य मानता है और दूसरा उसको सत्य नहीं मानता, बस और कुछ नहीं। ऐसे थोड़े होता है कि महात्मा माने क्या, उनको दो सिंह आ गए एक दुम निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वही खाएंगे वही पिएंगे वही बैठेंगे सब वही होगा, लेकिन उनका देहात्म भाव का प्रभाव उनके जीवन में नहीं होगा। दुख होगा, दुखी नहीं होगे, दुख होगा व्यथित नहीं होगे। इसीलिए
नैसर्गिको अनादि अनंत एरिता, तो ये सबके लिए है, तो कोई खास बात नहीं। तो जन्म अपि अव्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम, और इसी के कारण ये देहात्म भाव के कारण फिर जन्म मृत्यु और व्याधि सुख दुख इसका हमेशा चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी बात है। तो यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम बाकी जो करते हो करते रहो, दान धर्म करो, उसके बाद मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, उसके बाद तबला बजाओ, जप करो, सब करते रहो, दक्षिणा दो, सब करते रहो, लेकिन इधर ध्यान रखना है कि कहीं हम किसी वस्तु के संग्रह में और व्यक्ति के संबंध में कहीं फंस तो नहीं रहे। और ये यदि करना है, इसके लिए एक टेक्निक बता दें, इतना ही ट्राई करो। जब हम कहीं जाते हैं वैकेशन के लिए, तो उस समय हमारी बुद्धि कैसी होती है, दृष्टि क्या होती है, हम वैकेशन को जो जाते हैं वहां पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, पैसा खर्चा करने के लिए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां जब जाते हैं तो मालूम है यहां हमको इतने दिन ही रहना है, फिर वापस जाना है घर। कितने भी बढ़िया फाइव स्टार होटल में जाके रहो आप, 5-6 दिन होने के बाद नहीं चलो यार चलते अपने सिकरा में, वही ठीक है, वाराणसी में आ जाएंगे। और घर में आने के बाद 5-स्टार होटल के जैसे कंफर्ट है क्या? घर में आने के बाद ऐसी घटिया है कि जिसको 3 टांगे है, 4थी कुर्सी, उस पर जाके बैठो तो वो संगीत बैठे, और चाय मांगी, सर ऐसा कोई कहता है चाय मांग के देखो कितने बार चाय पियोगे, डांट पड़ती है, और फिर चाय की कप आती है, बढ़िया इंपोर्टेड कप, सवाल ही नहीं, बहरा कप जिसका कान नहीं है और उसके होठ फटे हैं, और वो भी प्यार से थोड़ी दे दे, लीजिए हैं, उसमें मजा आता है। इसी प्रकार से ये जो है चला चली का खेला, यहां हमेशा के लिए नहीं है महाराज, इसको याद रखो, हम वैकेशन के लिए आए। एक बार हमको किसी जगह ऐसी मीटिंग थी, लाइट मूड मीटिंग, हमको कहा समझो आपको 1 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और आपको ये कहा जाए आप जो भी लॉ बनाओगे वो भारत देश में लागू होगा, तो आप कौन सा लॉ बनाओगे? काफी लोगों को पूछा, किसी ने कहा कि एजुकेशन सबको देना चाहिए, किसी ने कहा सबको मकान देना चाहिए, हमारी जब बारी आई हमने कहा हम एक लॉ बनाएंगे, कौन सा? देश में कोई भी व्यक्ति कितना भी कमाए, कुछ भी करे, उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल और बैंक बैलेंस और लॉकर्स, ये वो मरने के बाद गवर्नमेंट की हो जाएगी, उसके बच्चों को नहीं मिलेगी, ये लॉ बना। देखो अभी तो हम इतना इकट्ठा करके रखते हैं जैसे अपनी 40 जनरेशन के लिए चलना है। देखो संतो, यह जब चिंतन होता है ना तब समझ में आता है कहां हम फंसे हैं। नास्त्रेण शस्त्रे अनिलेन वन्यना चेतुं न शक्यो न च कर्मकोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन स्थितेन मंजुषा। इसीलिए कहते हैं कि यह जो अज्ञान रूप मूल बंध है, यह न शस्त्र ही, किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जाता, न अनिलेन, अनेक प्रकार के अग्नि से जलाओ तो नहीं जला सकता, और न चेतु शक्ता, न च कर्म कोटि भी ही, अनेक प्रकार के कर्म करो इस बंधन को आप नहीं काट सकते। फिर विवेक विज्ञान महा असिना विना, जब तक के विवेक रूपी अज्ञान का खड्ग ले लिया जाए और उसको बड़ा शार्प किया जाए, तब जाकर के इस विज्ञान के द्वारा ही इस मूर्खता को हम मिटा सकते हैं, इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं।
ये जो साधना करने के चक्कर में फंसने वाले हैं ना, ऐसे फंसते हैं। हम कितने लोगों को जानते हैं। अभी रिसेंटली एक कोई लड़का है कहीं से, अब हमारे पास आया, स्वामी जी मुझे निर्विकल्प समाधि दे दो, बिल्कुल दे दो, अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मैंने पूछा निर्विकल्प समाधि किसको कहते हैं, मुझे पता ही नहीं। नहीं नहीं आपको सब पता है। हमें कहा ठीक है मेरी बात मानोगे, विकल्प किसको कहते हैं। विकल्प माने ये है या वो है, माने ऑप्शन। हाँ विकल्प माने ऑप्शन। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ये विकल्प है क्या कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। है ये विकल्प, यही है निर्विकल्प समाधि। नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब छोड़ो कुछ नहीं करना है। लेकिन हम तो गए थे अमुक अमुक आश्रम में, हम वहां महात्मा जी के साथ 8 साल रहे, बहुत साधना करी, बहुत जप किया, बहुत मेडिटेशन किया, लेकिन 8 साल के बाद एकदम पागल हो गए। फिर हम उन्हीं को पूछो, बोले वो बातें नहीं करते हमसे, हमको कहा निकल जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। बोले इसी के कारण मैंने आश्रम नहीं बनाया, सब कट्ठे हो जाएंगे ऐसे। देखो महाराज आश्रमों में जाकर के आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। जैसे पागल खाने में कौन जाते हैं, उसी प्रकार से आश्रमों में जो बकवास है वही पहुंचते हैं। अपने घर को आश्रम बनाओ, गृहस्थ आश्रम। और घर को आश्रम बनाना है तो हमको बुलाओ रहने के लिए, जहां बाबा जी है वहां आश्रम। देखो संतो फसो मत इस दुनिया में, विवेक विज्ञान महाअसीना विना, जब तक के हम इस विवेक को जागृत नहीं करेंगे क्या प्राप्त करना है। मेडिटेशन कोई लक्ष्य है जीवन का, बढ़िया कार हो क्या ये लक्ष्य हो सकता है जीवन का, बढ़िया मकान हो क्या ये जीवन का लक्ष्य हो सकता है। देखो जीवन का लक्ष्य यही पता नहीं, हमने साधन साध्य विवेक को नष्ट कर दिया है, साधन को ही साध्य समझ रखा है। परमात्मा साध्य है, जीवन साधन है। हम क्या करते हैं, परमात्मा को साधन बनाते हैं और जीवन को साध्य बनाते हैं। हे भगवान ऐसा ऐसा करो, माने वो हो गए साधन और फिर हमको ये मिल गया, फिर भगवान थैंक यू वेरी मच। एक जगह की बात बताते हैं, एक हमारे मित्र है कहीं, शादी विधि हो गई, 2, 4, 5, 6, 7, 8 साल हो गए बच्चा नहीं। तो वो लड़की बोली नहीं तो नहीं, झंझट खत्म। लड़की को बहुत जरूरी थी, स्वामी जी कुछ भी करो मुझे बताओ कैसे बच्चा होगा। हमने कहा मैं बताता हूँ लेकिन बीच में मुंह मत मारना, और जो मैं बताऊंगा वो करो एग्जैक्टली वैसे ही। बोले बताइए। हमने कहा हमारे वाराणसी चले जाओ और भोले बाबा के जा करके शुद्ध अंतकरण से कहो कि बाबा मुझे बच्चा चाहिए, मैं तुमको गारंटी देते हूँ बाबा देंगे तुमको। वो आए यहाँ, गए मंदिर में, वापस जाने के बाद 3-4 महीने में बच्चा रेडी, और उसके पश्चात वो लड़की बढ़िया बड़ी होने लग गई। हमने कहा जाके थैंक यू तो करो यार, पर स्वामी जी टाइम ही नहीं मिलता। हमने कहा ये गलत है, तुमको जाके थैंक यू करना है। बस एक दिन दो दिन, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गए नहीं आने को तैयार। फिर बाबा ने अपना डंडा दिखा दिया, उसकी नौकरी चली गई, उसकी वाइफ की नौकरी चली गई, उसने एक बहुत बड़ा मकान खरीदा और सब सामान वहाँ शिफ्ट किया, और दूसरे दिन वहाँ जाना उसके लिए वो फिर अपने पुराने मकान में आ गया। अब 1-2 दिन के वहाँ जाएंगे और फिर अच्छा सेटल हो गए। 1-2 दिन में पूरा घर साफ, चोर आकर के ईच एंड एवरीथिंग पैक था, सबका सब उठा के ले गए। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, स्वामी जी क्यों हो गया। हमने कहा हमने आपको कहा था बाबा को जाके थैंक यू को। स्वामी जी ने हाँ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और फिर धक्के खा के आ गए यहाँ, थैंक यू किया। हमने कहा देखो अब देखो कैसी जादू होती है, दूसरा बच्चा भी हो गया
उसको इतना बड़ा बड़ी तरक्की हो गई कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का पार्टनर बन गया। देखो महाराज, अपने अंतकरण को प्रभु चरणों में अर्पण किया ना तो ये मैं गायब हो जाता है। लेकिन हमारा यही होता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो विवेक विज्ञान महाअशिना विना धातु प्रसाद एन सीते न मंजुना। तो जब तक धातु प्रसाद माने अंतकरण शुद्ध हो, और इस शुद्ध अंतकरण में जो भाव प्रकट होता है वो सत्य होता है। देखो हम लोग जो होते हैं वो होठों से बोलते हैं, और साधु संत जो होते हैं वो पश्यंती वाणी से बोलते हैं। पश्यंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होते। हमारे लिए शब्द और अर्थ अलग अलग है, इसीलिए हमारे शब्दों में कोई भी कीमत नहीं। अब ये होने के पश्चात अब बताते हैं हमको आत्मा अनात्मा विवेक करना है। ये एक प्रश्न था, तयोर विवेक कथम एतत् उच्यताम्। श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठा तवै निष्ठातयत्म विशुद्ध रस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्मवेदनम तेनैव संसार समूलनाशः। तो पहली बात बता दे, श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठा, हमारा धर्म क्या है इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, हमारा क्या धर्म है इसका निर्णय हमारे शास्त्र लेते हैं। ब्रह्मचारी का धर्म है अध्ययन करना, गृहस्थ का धर्म है ब्रह्मचारी और सन्यासी इनके पालन की जवाबदारी रखना, वानप्रस्थ का धर्म है कि अपने ये पूरे जितना किया है उसको ठीक से रख के छोड़ देना, और सन्यास का धर्म है केवल एक कहीं भी रुकना नहीं, चरैवेति चरैवेति। इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। तो कहते हैं श्रुति प्रमाणिक मते स्वधर्म, तो हम देख ले हम कहाँ है क्या है। हम यदि गृहस्थ है तो गृहस्थी अच्छी तरह से निभाओ, हम यदि विद्यार्थी है तो अच्छी तरह से अध्ययन करो। देखो महाराज, हम यदि वयस्क हो गए हैं तो अपने जीवन में उपासना करो। जो व्यक्ति उपासना में बिजी होता है वो घर के चीजों में ज्यादा दखल नहीं लेता। कितने घरों में यही समस्या होती है, हमारे समय ऐसा होता था, अरे यार तुम्हारा समय और अभी का समय बदल गया है। ये बात हमने एक अम्मा से सीखी, बहुत ही कर्मठ थी वो, उनके किचन में कोई नहीं घुस सकता था, केवल वो अकेले घुसते थे, और उसके पश्चात खाना वो बनाएगी पूरा उसके नियम के अनुसार, और फिर वहां रख देगी, हाँ ये खाना ले जाओ, खाना बनाने के बाद भगवान को भोग लगेगा और फिर खा सकते हैं। एक बार मैं जब गया उनके यहाँ तो वो बाहर झूले में बैठी हुई थी। हमने कहा अम्मा तुम्हारा तुमने राज्य छोड़ दिया है क्या? बोले स्वामी जी अब मेरे से नहीं होता, अब मैंने उनको बताया, अब मैं वहाँ से निकलती हूँ, अब आपको जो करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे सिर्फ दो टाइम की रोटी दे देना बस। अब मैं उनकी इसमें दखल नहीं लेती। ये जो है ना अपने आप विड्रावल, किसी ने कहने के पहले ही आदमी ने छोड़ना चाहिए। हमको एक ने पूछा स्वामी जी आप इतना क्यों पक्के रहते हो, टाइम से बंद करते हो? इसलिए बंद करते हैं लोग आके हमारा मुंह बंद करें उसके पहले हम ही बंद करें। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े संत हैं, हजारों लाखों उनके फॉलोअर हैं, एक बार कह रहे थे ऋषिकेश में एक बार हमने कथा शुरू करी सुबह 9 बजे, शाम को 7:30 बजे तक चलती रही कथा। तो हम थोड़ा मुस्कुराए हो गए, बोले क्यों? हमने कहा भगवान आपके सामने मैं क्या बोलूं, मैं तो केवल ज्यादा से ज्यादा 75 मिनट बोलता हूं, उससे ज्यादा नहीं बोलता। ऐसा क्यों? हमने कहा सुनता कौन है? देखो क्या बोलना चाहिए इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है क्या नहीं बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए।
देखो इसीलिए जगत हमको कहे कि आप जाने का कितना लेंगे महाराज। हम जहां भी जाते हैं हमको इतना प्रेम इसीलिए मिलता है, इनको पता है, जैसे हमारे प्रभा जी को पता है 21 तारीख को हम जा रहे हैं उन्हीं के साथ, इसलिए जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है वैसे वैसे उनकी खुशी बढ़ती है। चलो जा रहे जा रहे गए, नहीं तो आके बैठे, अरे राम अब ये जाते ही नहीं। हम आपको कहानी नहीं बता रहे, सत्य बता रहे। एक बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने किसी आश्रम की सेवा एक दो दिन नहीं 40 साल करी, परदेश की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैंने बहुत सेवा करी, अब मैं अकेला रहूंगा घूमूंगा। तो पहले वो जहां जहां जाते थे वहां गए, तो लोगों को लगा कि अब ये आएंगे 7 दिन सत्संग करेंगे निकल जाएंगे। 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जाने को नाम ही नहीं। अच्छा रहो चुप रहो, घर में दखल लेने लग गए, कौन आ रहा, किस लिए आ रहा, वो आदमी क्यों आया, वो आदमी अच्छा नहीं, उसको बताने दो, शुरू हो गया बुढ़ापे के सब लक्षण होते। और फिर उनके घर में तूफान। फाइनली उस आदमी ने कह दिया कि महाराज आप कहीं दूसरी जगह ढूंढ लो, अब हम नहीं रख सकते आपको, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। वहां से निकले दूसरी जगह गए, दूसरे भी वही हाल। देखो महाराज एक उदाहरण दूं आपको, पृथ्वी के लिए प्रार्थना है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, पानी के लिए प्रार्थना है गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, उसके बाद अग्नि के लिए प्रार्थना है अग्ने ने सुपथाराय आसमान यूनानि विद्वान, उसके बाद सूर्य के लिए प्रार्थना है भूर्भुव स्वः दशविदुः, चंद्र के लिए प्रार्थना है, और आकाश के लिए एक भी प्रार्थना नहीं है। कोई है आकाश के लिए प्रार्थना? कारण क्या, नित्य उपलब्ध है। देखो इस जगत में रहते सभी इसका ध्यान रखना है। हम यहां वैकेशन के लिए आए हैं, निकल जाना है, वही रहोगे तो बोर हो जाओगे। कहते हैं आगे तो श्रुति प्रमाणिक मते स्वधर्म निष्ठा तवै व आत्मविशुद्धि अस्य, उसी के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होती है। जो जो अपने कर्तव्य कर्म करते हैं ठीक से उनके जीवन में क्या होता है, ध्यान से सुनना महत्व की बात। यदि हमने जो कर्तव्य है नहीं किए अभी तो ठीक है, बुढ़ापे में जाकर के वही ग्लानी व्यक्ति को काटने लगती है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, अब क्या करूं, उसके द्वारा कितना नुकसान हुआ, हे भगवान अब मैं क्या करूं। देखो जगत में रहते समय इन दो चीजों का ध्यान रखना है, कहीं हमारे अंतकरण पर ग्लानी तो निर्माण नहीं हो रही है और कहीं अभिमान तो निर्माण नहीं हो रहा है। ग्लानी होती है जो अकरणीय है वो किया तब, और अभिमान होता है कि हम सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। इसीलिए यहां बताते हैं तव एव आत्मविशुद्धिस्य, तभी जाकर के हमारे अंतकरण की शुद्धि होती है। फिर विशुद्ध बुद्धि है परमात्मा वेदनम, जब तक के हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा पवित्र नहीं होगा तब तक के उसमें परमात्मा प्रकट होता है तब भी समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा प्रकट होता है हृदय में। परमात्मा के प्रकटीकरण की पहचान तब हो कि ये परमात्मा है। देखो इंग्लैंड की बात है, हम किसी के यहाँ पहुँचने वाले थे तो वो अम्मा हमको लेने को आने वाली थी, तो उनके पड़ोसी बोले कि आप रहो ना घर में, मैं बेकार हूँ, मैं जाके स्वामी जी को ले आऊँगा। तो वो कभी सत्संग कुछ करते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप स्वामी जी को कैसे पहचानेंगे, आप तो जानते भी नहीं हो। क्या स्वामी जी को पहचानना है, दड़ियन हो गए, लाल पीले कपड़े हो गए, और क्या होता है स्वामी वाले। बोले ठीक है आ गए। हर एक फ्लाइट में 2-4-10 बाबा जी होते हैं,
एक भी फ्लाइट आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि इसमें कोई बाबा जी नहीं हो, दो चार जरूर होते हैं, सब बेकार है, घूमते रहते हैं। और उसके बाद इमिग्रेशन से जब निकलते तो आगे पीछे उसका कोई नियम नहीं, तो एक बाबा जी बाहर आए, उन्होंने देखा तो नहीं था, आके के नमस्कार किया, माला पहनाई, महाराज जी आइए आइए, बोला ठीक है बेटा धन्यवाद। महाराज जी आप स्वामी अनुभवानंद? नहीं मैं अनुभवानंद नहीं हूँ। वो है क्या? बोले वहाँ 5-6 लोग हैं, कौन कौन मुझे पता नहीं, वो कहेंगे क्या मेरी माला उनका? देखो महाराज, तो हमको पहचानना है, करना कुछ नहीं है, परमात्मा के हृदय में अभिव्यक्ति केवल आनंद रूप से होती है। आनंद तब होगा जब आपके हृदय में ग्लानि नहीं होगी और अभिमान नहीं होगा। देखो कितनी सहज बात है, इसीलिए कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धे है परमात्मा वेदनम तेने व संसार समूल नाशः। जहां हम अपने स्वरूप में बैठे तब पता चलता है कि जिसको लेके मैं परेशान हो रहा था कुछ भी नहीं। ये बात हमने एक आपके जैसे ही संत से सीखी, वो हमारे प्रवचन के बाद द्वितीय अध्याय पर हम बोल रहे थे भगवद गीता के चित्त प्रज्ञ के लक्षण। सब होने के पश्चात वो थैंक्स देने के लिए आए, उन्होंने पूछा स्वामी जी मैं कुछ बोलूं क्या? हमने तुम्हारा मन करे करो, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी ने हमको स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, मैंने उसको ऐसा समझा। फिर बताया मेरी पत्नी कोई 4-6 साल पहले उसका देहांत हो गया, उस समय मैं इतना दुखी था कि मानो अब मुझे मरना ही है, बाकी कुछ बाकी नहीं रहा, इतना दुखी था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता गया, अब 4-6 साल हो गए, अब मैं वही हूँ, मेरी पत्नी की मृत्यु वो भी मुझे मालूम है, वो दुख हुआ था वो भी मुझे मालूम है, लेकिन इस समय मैं उतना दुखी नहीं हूँ जितना उस समय था। फिर उन्होंने कहा यदि मैं उस समय भी ऐसी स्थिति में रहता तब उसको कहती स्थित प्रज्ञ पुरुष। कितनी बड़ी बात है, जीवन में आने वाले दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही अध्यात्म साधना है। दुख हर एक के जीवन में आते हैं और इसलिए किसी के दुख को लेकर के ज्यादा उसको सांत्वना मत देना, उसको भुला देना है। कहीं भी जाओ खुशी फैलाना है, कहीं दुख का प्रसंग है तो उसको दुखी मत करना। दिल्ली की बात बताते, एक बहुत पुरानी बात है, हमारे एक अच्छे परिचित थे, बूढ़े थे, उस समय हम जवान थे, हमको पता लगा कि उनके पत्नी का देहांत हो गया, तो हमने कहा हम तो अभी नहीं आ सकते, सत्संग में बिजी है, जैसे खाली हो जाएंगे आ जाएंगे। 15 दिन के पास गए उनके पास, जाने के बाद दुनिया भर की बातें हो गई, चाय पानी समोसे कचौरी, दुनिया कैसी खराब है, गवर्नमेंट कितनी खराब है, लोग कैसे बेकार है, ये सब दुनिया की बातें हो गई। और जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे पकड़ा, बोले तुम मुझे, वो मुझे तुम ही कहते थे, बहुत छोटा था, तुम असली स्वामी हो। अरे क्या हो गया महाराज, गलती हो गई क्या कुछ? अरे गलती, जो भी यहाँ आता था मुझे अपने पत्नी की मृत्यु को सुना सुना करके जब तक मैं रोता नहीं तब तक वो जाता नहीं था। उनको ऐसे ही लगता है कि सांत्वना देना माने उसको बताना कि तुम्हारी पत्नी मर गई, रो रो, और आपने मुझे एक बार भी उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, मुझे रुलाया नहीं, मुझे दुख की बात याद भी नहीं दिलाई। अन्य कहा बाबूजी मैं बात बताऊं आपको, क्या कोई जरूरी है कि पत्नी मरने के बाद आदमी को दुखी होना चाहिए? हो सकता है आप खुश हो गए होंगे। तब उन्होंने मुझे एक लगाई, अभी भी तुम्हारी शैतानी जाती रही। देखो महाराज, दुखी व्यक्ति को दुख से निकालना है क्या, दुखी बनाना है उसको? डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, तब हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए। तेनैव संसार समूल नाशः कोश मन्ना
कोश अन्नमयाद्य पंचभि आत्माना समृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नहि शैवाल पटले इव अम्बुवापिस्थम। तो ये पंच कोशों के कारण यह तत्व परमात्मा समृतः न भाति, ये मानो ढक गया है, दिखता नहीं। कैसे? जैसे अब पानी से ही प्रकट हो गया हुआ जो मॉस है, शैवाल है, उसी के द्वारा वो पानी ढक जाता है, उसी प्रकार से ये पंचकोशों का आधार हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, क्योंकि यह अपना स्वरूप इन पंचकोशों से ढक गया है। तत्व की उपलब्धि क्रिया से नहीं होती, और इसको कहेंगे सेल्फ डिस्कवरी। जो वस्तु डिस्कवर होती है वो पहले होती है, और फिर कवर निकाल डालो तो मिल गई। आपने घरों में होता है कि नहीं? कई बार, एक बार हम मुंबई में थे, हमारे हाथ में हमारे कमरे की चाबी थी, और दरवाजा बंद कर लिया, और फिर हम कुछ भूल गए। अरे बाप रे, चाबी रख दी अंदर में, इतने परेशान हो गए। और फिर हम वहां से नीचे उतरे और पैदल कम से कम 2 किलोमीटर गए, दूसरे के चाबी रखी थी, और हमने कहा देखो मैं चाबी अंदर रख दिया हूँ, और हाथ में चाबी है, उनको दिखा रहा हूँ कि मेरे घर की चाबी अंदर रह गई है, मुझे अंदर जाना है, अब पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे आप मेरी चाबी दे दीजिए। तो वो हंसने लगे, स्वामी जी आपको क्या हो गया? क्यों क्या हो गया, आपके हाथ में क्या है? देखो महाराज, अब इसके लिए कौन परेशान, कौन है जिम्मेदार? भगवान जिम्मेदार है, दुनिया जिम्मेदार है। हमारे दुख का कारण केवल हम ही होते हैं, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। वी आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट। देखो संतो, इसीलिए हम ही अपने लिए सत्य परेशानी निर्माण करते हैं, और फिर भगवान को कहते कि भगवान आपने ये दुनिया क्यों बनाई। भगवान की दुनिया में दुख नहीं है, हमारे दुनिया में सुख नहीं है। भगवान की दुनिया क्या है? स्त्री पुरुष ये भगवान की दुनिया है, पति पत्नी ये हमारी दुनिया है। एक स्त्री भगवान ने निर्माण करी, उसी एक स्त्री से कितने पैदा करते थे हम। कन्या पैदा होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, बहू होती है, ये सब के सब ससुर हैं, ये दुखी होते हैं, दुखी करते हैं। कन्या दुखी करेगी पिताजी को, पत्नी दुखी करेगी पति को, माँ दुखी करेगी बच्चे को, स्त्री किसी को दुखी नहीं करती और दुखी होती भी नहीं। तो साधना क्या हो गई? हमारे दुनिया से निकल करके परमात्मा के दुनिया में प्रवेश करो। हमारी दुनिया क्या है? विशेषता। परमात्मा की दुनिया क्या है? निर्विशेष। परमात्मा कहते हैं रस और हम कहते हैं खट्टा मीठा। परमात्मा कहते हैं शब्द और हम कहते हैं संगीत। परमात्मा कहते हैं गंध, हम कहते हैं सुगंध दुर्गंध। जहां हमने विशेषता लाई वहां संसार शुरू हो गया, और इसी विशेषता के कारण यह जो निर्विशेष सत्ता है यह ढक जाती है। देखो तच्छैवालापनये सम्यक् सलीलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णाप संतापहरं सद्य सौख्यप्रदं परं पुंसः। तो ये जो शैवाल था जिसके कारण पानी ढक गया था, वैसे शैवाल को निकाल दिया तो बढ़िया ठंडा और साफ सुथरा पानी मिल जाता है, जिसके अपनी प्यास बुझ सकती है। इसी प्रकार से पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे विवत्तेयम शुद्धा नित्यानंदय कर्ता प्रत्येक रूप परम स्वयं ज्योति। इसी प्रकार से ये पंच कोशों का निराकरण किया तो उस सब का आधार जो है वो अपने आप प्रकट हो जाता है, उसको हम प्रकट होने ही नहीं देते। इसको प्रकट करने के जो हमने आपको अनेक तरीके बताए, ये सबसे सिंपल तरीका है। जो किसी का विरोधी नहीं है वो हम हैं। अब क्या क्या विरोधी है? शब्द शांति का विरोधी है,
अच्छा बुराई का विरोधी है, विचार विचार के अभाव का विरोधी है, जागृत अवस्था सुषुप्ति की विरोधी है, जो किसी का विरोधी नहीं है। माने शब्द को हम सुनते हैं, शब्द के अभाव को हम सुनते हैं, तो हमने दोनों का विरोध नहीं किया है, तो हम कौन है जो शब्द का भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है और इसीलिए भाव अभाव के परे है, हमारा किसी के प्रति कोई विरोध नहीं। और सबसे बढ़िया बात है, इसमें करना कुछ नहीं है, ये अपना स्वरूप है। ये जो हमने हजार बार उदाहरण लिया है, हमारी दृष्टि किसी भी रूप रंग का विरोध नहीं करती, किसी का समर्थन नहीं करती, चाहे पीला रंग हो, चाहे लाल हो, चाहे हरा हो, चाहे नीला हो, सभी रंग को वो प्रकाशित कर, किसी का विरोध नहीं। और उतना ही नहीं, किसी भी रंग रूप को पकड़ के नहीं रखती, यही अपना स्वरूप है। हमने बचपन के देह को आधार दिया, उसको छोड़ दिया, फिर हमने जवानी के देह को आधार दिया, उसको छोड़ दिया, फिर हमने मध्यम वय के शरीर को आधार दिया, उसको छोड़ दिया, अब बुढ़ापे के शरीर को आधार दे, उसको भी छोड़ेंगे, अपने को क्या होने वाला है। तीन बार तो हम मर चुके हैं, अब हमको तो मरने की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। देखो संतो, यह जो निर्विरोध निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। तो साधना क्या होगी, अपने विशेषताओं को मिटावे, हमको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना, ऑर्डिनरी रहो। जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे वहां संसार शुरू होगा। इसलिए यहां कहते हैं, यह जो पंचकोशों में फंसे हुए हैं उसमें से हम निकले, इसका एक उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक बड़ा पत्थर था, एक शिल्पकार आया और उसने छिन्नी और हथौड़ी से पत्थर को ठोकना शुरू कर दिया, और ठोकते 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 वहां एक बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई। तो क्या हुआ, पहले भी वो मूर्ति वहां थी, लेकिन अनावश्यक पत्थर के कारण वो ढक गई थी। तो शिल्पकार ने क्या किया, पंचकोशों का निवारण किया, तो जहां जहां अनावश्यक थी उसको हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। तो मूर्ति के निर्माण में मूर्ति निर्माण नहीं करी, केवल जो अनावश्यक पत्थर था उसको हटा दिया। इसी प्रकार से हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, प्रकट होने देना है। और वो क्यों नहीं प्रकट हो रहा, क्योंकि पंचकोशों से ये दबा हुआ है। तो छिन्नी हथौड़ी ले लो और एक एक कोश को हटा दो, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को और आनंदमय कोश को। अन्नमय कोश को हटाना माने क्या, अपने देह के ज्यादा लाड़ प्यार करना छोड़ दो, नियम से लगाओ उसको। जीवन में जब नियम पक्के होते हैं ना, कब सोना है कब जगना है, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन आती है। फिर प्राण, प्राण का तात्पर्य है कि हम कितना अनावश्यक कार्य में अपने आप को रखते हैं। जैसा सबके प्रति हमारी ड्यूटी है, वैसी हमारी अपने प्रति भी ड्यूटी है, उधर भी हमको ध्यान देना है। फिर मन, हमारा मन जो है राग द्वेष का घर है, तो हमको ये राग द्वेष के प्रभाव में आकर के जीना नहीं, उसके लिए साधना क्या करनी है, बुद्धि का आधार लो। बुद्धि बताती है विवेक, जो योग्य है वही करना है, चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे व्यक्ति ये पंचकोशों से मुक्त हो जाता है और तब जाकर के अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। नित्यानंद कर सब प्रत्येक रूपा परम पर स्वयं ज्योति। यदि ये बात हृदय में उतर गई हो तो मुझे साधना करनी है, ये चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे। साधना होती है यदि अपने जीवन को सहजता से चलावे। कोई हमको सिद्ध नहीं करना है जगत में, किसी के भी सामने। आत्मा नाम विवेक कर्तव्य बंध मुक्त विदुषा तेन एव आनंदी भवति स्वम विज्ञाय सच्चिदानंदम। इसीलिए
साधक ने विदुषा समझदार व्यक्ति ने आत्मा अनात्मा विवेक कर्तव्य बंध विमुक्त है। तो साधना क्या है, आत्मा अनात्मा इसका विवेक करें। अनात्मा माने जो हमसे अन्य है, अनात्मा माने जिसको हम जानते हैं, अनात्मा माने जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये टेबल को हम जानते हैं तो टेबल अनात्मा है, मैं टेबल नहीं हूं। टेबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहां से वहां रख सकते हैं। उसी प्रकार से देह हम जानते हैं, इसको हम जैसा चाहे रख सकते हैं। प्राण हम जानते हैं, उसका प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। मन हम जानते हैं सुख दुख आ रहा परेशान कर रहा है। बुद्धि हम जानते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कितने बार पढ़ा। उसी प्रकार से धीरे धीरे आनंदमय कोश केवल सुषुप्ति अवस्था में मात्र होता है। तो ये जो आने जाने वाले हैं ये सब अनात्मा है, और इन सब का जो प्रकाशक है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए मेडिटेशन करके अपने आप को धोखा मत देना, जीवन में सहजता आनी चाहिए। कितनी सहजता, उतनी सहजता, दो तीन उदाहरण लेते हैं। जितनी सहजता से गंगा जी ऊपर से नीचे तक बहती है, कोई गियर नहीं बदलना पड़ता, सहज आ गया। उतनी सहजता जितनी सहजता से आकाश सभी आकारों को आधार देता है, उतनी सहजता जितनी सहजता से आंखें खुली तो रूप रंग दिखा। तो जीवन की जो सहजता है वही हमारी विशेषता को मिटा देगी। तो तेन एव आनंदी भवती स्वयं विज्ञाय सच्चिदानंद रूप। तो आनंद का तात्पर्य यही है, हमको अपने आप को पहचानना है। मुंजादीशिकामिव दृक्वर्गात् प्रत्यंच आत्मानं सम्यक् अक्रियं विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः। मुंजादीशिका इव दृश्यवर्गात्। आप कभी तो गए होंगे केदारनाथ, एक बार हम गए थे तो अपने हेलीकॉप्टर से गए तो जल्दी पहुंच गए, तो टाइम ही टाइम था। तो हम उसके पीछे जो यहाँ से अलकनंदा जी ये मंदाकिनी जी निकलती है उस तालाब के पहुंच गए, 5 किलोमीटर पहुंच गए। तो वहाँ एक सज्जन मिले पंडित जी। हमने कहा कि कुछ ऐसी बात बताओ हमको, हमको मालूम नहीं। बोले यहाँ जो होते हैं ना ऊपर पहाड़ों में एक विशेष प्रकार की घास होती है, फिर बोले वो घास जुलाई के महीने में ठीक होती है। फिर बोले उस घास को तोड़ने के लिए हम लोग नंगे पैर आते हैं और स्नान इत्यादि करके, और वो सिल्क के वस्त्र पहन करके आते हैं, और वो घास को काटते नहीं, उसको उखाड़ना पड़ता है, और उसको उखाड़ने के पश्चात उनके पत्तों को अलग करना है। तो बीच में एक कांटा होता है, थोड़ी गड़बड़ी करी तो कांटा चुभ गया तो बहुत ही परेशान करता है। तो बड़ा धीरे 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 उसको निकालते हैं, और फिर वो जो पत्ती होती है लंबी लंबी, वही आप लोग जब करते हैं ना उसकी जो अंगूठी बनाते हैं वो उसी पत्ती की बनाते हैं, उसको कहते हैं मुंजादीशिका युग। तो उसकी यदि पत्ती को अलग करना है तो बड़ी सफलता से और बड़ी सूक्ष्मता से करनी है। इसी प्रकार से हम अपने आप को इन पंचकोशों से बड़ी सूक्ष्मता से सफलता से धीरे धीरे अलग। कैसे अलग करें, पहले हम दो प्रकार से बांधे हैं। एक तो दुनिया को हमने ममता के धागे से बांध के रखा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और हमने अपने देह को दो रस्सियों से बांधा है, देह मेरा है और मैं देह हूं, ममता और अहंता। दुनिया के साथ केवल ममता है, तो पहले ममता को मारो, कहीं दूसरे जगह मत पहुंच जाना, यही रहो।
तो पहले ममता को काटना है। ममता को काटने के पश्चात अहंता को हम तोड़ सकते हैं। कोई ये कल्पना करे कि हम डायरेक्टली अहम का त्याग करेंगे, असंभव है। देखो तो ये ममता को काटने का तात्पर्य क्या हो गया, अपने जीवन में जितने भी संग्रह और संबंध है इसके द्वारा प्रभावित होना कम होना। ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो उसी में लेकर के फंसे हैं। अच्छा महाराज, तो हमने ममता को छोड़ा, फिर अहंता पर आ जाते। फिर अहंता पर आने के लिए फिर बताते कि अब देखो, जब मैं कहता हूं तो मैं शब्द का क्या अर्थ है। जब मैं कहता हूं कि मैं बूढ़ा हूं तो मैंने देह के उम्र को मैं कह लिया। मैं कहता हूं कि मैं पुरुष हूं तो मैंने देह के लिंग भेद को मैं कह दिया। मैंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं तो मैंने अपने जाति को महत्व दिया है। मैंने कहा कि मैं यूपी वाला हूँ तो मैंने अपने पोजीशन यूपी के महत्व दिया है। फिर मैं कहता हूँ मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं कौन हूँ, कितने मैं हैं अंदर में। अरे यार एक तो बताओ, तो ये इतने मैं कहाँ से पैदा हुए। तो जैसे जैसे ये मैं का विश्लेषण करते हैं तब आपको बात समझ में आती है कि एक मैं जिसको कहते मिथ्या मैं, देहात्म भाव के बाद जो निर्माण होता है उसको कहते हैं मिथ्यामय। मिथ्यामय माने क्या, हम कहते हैं मैं देह हूं। कौन सा देह, जो पैदा हुआ वो, जो बचपन का, जो टीनेज का, मध्यमय का, कहां गए वो सब देह। देखो या तो मैं कहता हूं कि मैं पति हूं, मैं भाई हूं, तो कितने मैं हैं। तो मैं देह हूं ये मिथ्या आत्मा है, और जितने रिश्ते नाते हैं वो गौण आत्मा है, वो रियल नहीं है। फिर असली आत्मा क्या है, जो इन दोनों का आधार है। इस प्रकार से सूक्ष्मता से अपने चिंतन के द्वारा ये आत्मा अनात्मा विवेक कर्तव्य, इसका विवेक करके ही बंध मुक्त विदुषा देव एव आनंदी भवति। इसका सबका परिणाम क्या होगा, लक्षण क्या होंगे, एक ही लक्षण होगा, आनंदी बहुत ही। ये सबको समझने के लिए सिंपलेस्ट बात हम जो बताते हैं, मौज में रहो, बी हैप्पी। और कुछ नहीं करना है, जैसा वैसा ठीक है, बढ़िया है। गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस, कोई भी अपने आप को चॉइस मत दो। देखो कितना मजा आता है, जैसा है बढ़िया है, चल रहा है चल ले दो। हर जगह जाकर के अपना चॉइस, आदमी परेशान हो जाता है। देखो दुनिया बढ़िया चल रही है, हम बताएं आपको, हम यदि अपने जीवन को प्लान करते ना तो हम गारंटी बताते हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। प्रभु के हाथ पे छोड़ दो, योग्य प्रकार से योग्य समय योग्य बात होती है, वो कोई बेवकूफ नहीं है। हमारे उद्धार के लिए कब किस अनुभूति की आवश्यकता है वैसी ही अनुभूति हमको दी जाती है। तो हमारी साधना क्या है, एक ही साधना है, उस अनुभव से सीखो। यदि हमने अपने हर एक अनुभव से सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे अपना मन जो है रिएक्शन करना बंद करेगा, और जो मन रिएक्शन नहीं करता उसी मन में ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार से तेन एव आनंदी भवति स्वम विज्ञाय सच्चिदानंदम गुंजादिशिका दुष्यवर्गात प्रत्यंजमात्मानम असंग अक्रियम। तो अपने आप को स्वयं को इस जगत से, ये पंचकोशों से अलग अक्रिय, ना कुछ करते हैं ना कुछ करवाते हैं, विविच तत्र प्रविलाप्य सर्वम, सबका सब जहां से आया वहां जाएगा, अपने को क्या कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, दर्पण में आपका प्रतिबिंब है, आपने दर्पण हटाया, उसके बाद आप इस पर चिंतन करोगे क्या कि दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ गया। यही बात है,
बचपन का देह कहाँ गया, मरा क्या वो, मरा नहीं तो कहाँ गया, फिर जवानी का देह आया, गुंडागर्दी करी वो भी चला गया, कहाँ गया। उसी प्रकार से ये बुढ़ापे का देह जहां से आएगा वहां जाएगा, अपन को क्या लेना है, हम तो ज्यों के त्यों हैं। यदि आपने सत्संग किया है और किसी के भी मृत्यु की खबर सुनी है और उसके पश्चात यदि अपने मृत्यु की कल्पना भी यदि मन में आती है तो आज तक जितना सत्संग किया है गंगा जी में मिल गया। मृत्यु की कल्पना भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वही चक्कर होता है, स्वामी जी आप मजाक मत करना, मुझे हमेशा डर लगता है मरने के बाद क्या होता है। तो क्या बोलेंगे उनको, डिपेंड्स आप कौन है, हिंदू है मुसलमान है, हम तो हिंदू है, फिर हम आपको जलाएंगे, उसको लगता है कि जिंदा जला रहे। नहीं वैसे नहीं, मरने के बाद वो जीव कहाँ जाता है, देखो वही जाता है। डाइवोर्स के बाद पति पत्नी कहाँ जाते हैं बताओ, कोई हो तब जाएंगे ना। इसी प्रकार से ये जीव जीव लेकर के अपने आप को बर्बाद मत करना, ना कभी हमारा जन्म हुआ है ना कभी हम मरेंगे। यह जो अखंड सत्ता है, जो अखंड निर्विशेष सत्ता है, ये जो अखंड निर्विशेष निर्विकार सत्ता है, यह जो अखंड अनादि निर्विशेष निर्विकार अनंत सत्ता है, वो अपना स्वरूप है। और यह ये सिद्धांत बताने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म, माने पिछले जन्म में भी हम थे माने उस समय ये देह नहीं था, तो सिद्ध क्या हुआ, ये देह के अभाव में भी हम रहते हैं, फिर इस देह में भी हम हैं, और ये देह मर जाएगा तो दूसरे देह में हम रहेंगे। मतलब क्या निकला, कब हम मरे, देह मरा है, ये समझने के स्थान पर हम यही चक्कर में पड़ते, पिछला जन्म ये जन्म। नहीं लेकिन शास्त्रों में तो बताया है ना पिछले जन्म ये जन्म होता है, हमारे गरुड़ पुराण में बताया है, यदि कोई मरता है ना, गरुड़ पुराण मत पढ़ो, पढ़ना है तो भगवद गीता का अध्ययन करो, कठोपनिषद पढ़ो, नहीं तो वहां डर डर जाता है, वहां 28 प्रकार के नरक है और वहां आपने ऐसा ऐसा पाप किया होगा तो आपका पकोड़ा बनाया जाएगा, आपको यातना देह दिया जाएगा और वो पकोड़ा बनने के पश्चात टेबल पर रखा जाएगा, क्योंकि वो यातना देह वो मरेगा नहीं, फिर वहां एक बहुत बड़ी पार्टी बुलाएंगी, सभी के सभी वल्चर्स आ जाएंगे, गीदड़ आकर के नोच नोच के आपको खाएंगे, दिमाग में ये कूड़ा भर गया तो आप डेफिनेटली वहां जाओगे। सत्य है, देखो संतो धीरे धीरे इन सब चीजों से अपने आप को बचाओ और अपने स्वरूप पे निष्ठावान होना, यही अध्यात्म है। मुझे वैसे बोल देते कि स्वामी जी लेक्चर बंद करो, लाइट बंद करने की क्या जरूरत थी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।